आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी का, जिसमें आज की कहानी है द हीरो। पानी पर लिखी कहानी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। पानी पर लिखी कहानी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पानी पे लिखी कहानी, इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं इंदिरा दांगी की लिखी कहानी द हीरो। जिला पंचायत में आज नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी आ रहे हैं। दफ्तर के सभी कर्मचारी नए साहब के स्वागत में प्रस्तुत कार्यालय के बाहर परिसर में खड़े हैं। हाथों में गेंदे के फूलों की मालाएं हैं और चेहरों पर माथती विनम्रताएं। साहब के आने से पहले उनका नाम यहाँ आ पहुँचा है, देवराज सिंह, जैसा कि नाम है संपन्न सा। सुना है दिल्ली में पले बढ़े हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, नौकरी में कुल जमा 2.5-3 साल हुए हैं और पिछले दफ्तर में 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। एक कर्मचारी को तो सुना सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया था क्योंकि ड्यूटी पर उसकी झपकी लग गई थी। सो यहाँ का स्टाफ अपनी नौकरियों की सलामतियों के ख्याल के साथ सतर्क खड़ा है। एक नौकरी में एक परिवार पलता है, बड़े साहब लोग कहाँ ये सब मानते हैं। रामचरित ने क्लर्क मनोहर से कहा। वो पुराने दफ्तर के अनजाने कर्मचारी के बारे में सुनकर देर से उदास था। उसके 3 बच्चे हैं और वो दफ्तर के बाद घंटों बीड़ियां बनाने का काम करता है।
थकान की एक हल्की खुमारी हर वक्त उसकी आंखों में झिलमिलाती है और आज वो याद कर रहा है इस महीने ड्यूटी पर कितनी बार उसका मन सो जाने को हुआ है। यकीनन वो डरा हुआ है। डरे हुए तो बाकी सब भी हैं और यहाँ खड़ा हर कर्मचारी अपने कामों कर्तव्यों में बिल्कुल नए सिरे से दक्ष हो जाना तय कर रहा है। बहरहाल साहब की जीप परिसर में आती दिखी, कई दिल एक साथ धड़के। जीप रुकी और अपने नाम से प्रभावशाली साहब ने जिला पंचायत कार्यालय की जमीन पर पहला कदम जमाया। ऊंचा कद, कसा शरीर, गोरा शहरी चेहरा और चेहरे पर सिंह जैसा भाव। कर्मचारियों ने सलाम ठोकने वाले अदबो अंदाज में एक एक कर अभिवादन किया, फूल मालाएं पहनाई और रामचरित ने तो आगे बढ़कर पैर छू लिए। इस नौकरी से उसका बड़ा परिवार पलता है। औपचारिक परिचय के बाद साहब ने बोलना शुरू किया। ये सब तो ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लापरवाही, अनुशासनहीनता, चुगलखोरी, भ्रष्टाचार और राजनीति, ये सब मुझे अपने ऑफिस में हरगिज नहीं चाहिए। वैसे तो आप लोगों ने मेरे बारे में सुन ही लिया होगा, और अगर नहीं सुना है तो अब तो हमें साथ ही काम करना है। स्टेनो शिल्पा ने गले में पड़ा दुपट्टा नीचे को खींच लिया। रामचरित ने अपने सिर की टोपी छूकर उसके होने पर यकीन किया। बड़े बाबू ने जेब से रुमाल निकालकर सूखे होंठ पोंछे। कंप्यूटर ऑपरेटर मुरारी ने अपनी मुद्रा सावधान की बना ली और क्लर्क मनोहर ने जेब का सेल फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये समय ऑफिस का है और हम सबको ऑफिस में होना चाहिए, am I right? आगे बढ़ गए युवा अधिकारी की तेज चाल से हम कदम होने के लिए स्टाफ को लगभग दौड़ना पड़ा। टेबल पर पहुंचते ही साहब ने फाइलें पलटना शुरू कर दिया। एक फाइल पर हाथ रुका, फिर देर तक रुका रहा। सहसा घंटी बजी, स्टाफ के दिल धड़के। प्यून दौड़ा, क्लर्क मनोहर को तलब किया गया है। पहला हुक्म, पहली तामील। मनोहर जी, ये जनपद पंचायत भांडेर की फाइल है, माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के मध्याह्न भोजन बजट का कुल ब्यौरा है इसमें। जी सर। हमारे कार्यालय से स्कूलों को 100% उपस्थिति के आधार पर बजट राशि जारी की जाती रही है ना, अभी तक तो यही होता रहा है। जी जी सर। तो बजट राशि 100% और मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ 70%, ये हालत है विद्यालयों की। जी। अच्छा, जोशी जी को भेजिए, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। लेकिन सर, छोटे सर तो मेडिकल लीव पर हैं। अच्छा ठीक है, एक आदेश तैयार करवा दीजिए, स्कूलों को जारी बजट राशि 100% से घटाकर 70% की जाती है। आदेश से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत और मुझसे साइन करवाने के बाद ये आदेश जारी कर दिया जाए। आला साहब ने फाइल से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। एक बारगी तो उसकी पिंडलियों का लहू कांप गया, फिर सूखे होठों पर जुबान फेरता वो दुबला नाटा काला क्लर्क बोला, इस इलाके के गांव गरीब हैं सर, सालों से अकाल का डेरा रहा है, फिर इस प्रदेश में उपजता ही क्या है। जब से स्कूलों में दिन का खाना शुरू हुआ है, ऐसे कितने ही बच्चे जी गए हैं जो भूख से मर सकते थे सर। मुझे आपसे योजना की तारीफ नहीं सुननी है, आदेश का पालन कीजिए। मैं बस इतना निवेदन कर रहा हूँ सर कि अपनी बात पूरी कीजिए। सर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज सर, आप एक बार स्कूलों के विजिट तो कर लीजिए। ओ आई सी, तो अब आप मुझे सिखाएंगे कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं। मनोहर चुप रह गया। 70% की अटेंडेंस पर मैं 100% बजट देता रहूं, क्या ये उचित होगा? क्या 30% भ्रष्ट स्वयं सहायता समूहों को ऐश करने के लिए देता रहूं? कहां का भ्रष्टाचार सर, आप ही सोचिए, 2.5 रुपए में एक बच्चे का पेट कैसे भर सकता है। कुल 100% बजट भी 70% अटेंडेंस के लिए कम पड़ता है सर। कितने स्वयं सहायता समूह, शिक्षक पालक संघ के लोग और हेडमास्टर हमारे दफ्तर में कम बजट की शिकायतें लेकर आते रहते हैं। जब से ये योजना हमारे जिले में आई है, मैं ही इसकी फाइल पूरी करता रहा हूं सर।
बजट घटाना बच्चों के मुंह से निवाले छीनने जैसा निर्णय है सर। मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज ऐसा आदेश मत दीजिए सर। गरीब बच्चों की भूख आपने देखी नहीं है। और आपने देखी है? जी सर, मैंने देखी है। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा डिसीजन गलत है? मैं बस इतना सर निवेदन कर रहा हूं आपसे कि जिस डिसीजन से सैकड़ों बच्चों की भूख जुड़ी है, उसे लेने से पहले कम से कम एक विजिट उन स्कूलों की। बस बस बहुत हो गया, अपने बर्ताव के लिए माफी मांगिए और ये आदेश तैयार करवा कर लाइए। कमजोरों के हक में खड़ा एक कमजोर। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। केबिन से बाहर निकला तो मनोहर के चेहरे पर सन्नाटा था, परवश सा यंत्र चलित अपनी सीट पर आ बैठा। शिल्पा, बड़े बाबू, मुरारी और रामचरित सबकी आंखों में प्रश्नों के इंद्रधनुष उतर आए। क्यों बुलाया था बड़े साहब ने? क्या कह रहे थे? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? साहब ने डांटा क्या? कैसा मिजाज है सर का? हर सवाल का उसने ऐसा जवाब दिया कि जवाबों में दरअसल कुछ नहीं मिला सवालों को। मनोहर क्या जानता नहीं सहकर्मी मित्र नहीं होते? कभी कभी वो अपार अविश्वास से सोचता है कि दिनों महीनों सालों तक एक ही दफ्तर में काम करते लोग सहकर्मी प्रतिस्पर्धी आलोचक शत्रु तक बने रहते हैं, बस मित्र नहीं हो पाते।
एक बार ऑपरेटर मुरारी तीन रोज आधा आधा घंटा लेट आया तो बड़े बाबू ने उसकी रिपोर्ट डाल दी, वेतन कटी बेचारे की, जबकि उसने मौखिक अनुमति तो ले ही रखी थी। उसकी बीवी को बच्चा हुआ था और अस्पताल, घर, दफ्तर के बीच अकेला परेशान मुरारी उन दिनों खाने के डिब्बे के बिना आता था। यहाँ सब एक दूसरे के लिए आस्तीनों में विषधर छुपाए रखते हैं। इसी मुरारी ने स्टेनो शिल्पा की शिकायत कर दी थी कि वो देर देर तक सेलफोन पर बातें करती रहती है। यद्यपि काम में शिल्पा का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, ऑफिस की सबसे मेहनती कर्मचारी को पूरे स्टाफ के सामने छोटे सर ने डांटने के लहजे में बातें सुनाई थी, पर अपनी बारी पर जिस शिल्पा की आंखों से टप टप मोती झड़ रहे थे, वही शिल्पा रामचरित के उस जरा भूल को लेकर सीधी बड़े साहब के पास पहुंच गई थी कि वो पूर्व दिवस में ऑफिस का एक पंखा चालू छोड़ गया था। रामचरित कह भी नहीं पाया कि उस दिन दफ्तर बंद करते वक्त बिजली गुल थी और बड़े साहब ने जो फटकारा था उसे, केबिन के बाहर तक आवाज आ रही थी। तो भी मनोहर को ये वाला दफ्तर उस दफ्तर से बेहतर लगता है जहां वो 2 साल पहले तैनात था। वहां छोटे साहब बड़े साहब की राजनीति में निरीह मातहत ऐसे इस्तेमाल किए जाते थे कि मनोहर को दुष्यंत कुमार की पंक्तियां रह रह कर याद आती। तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बनाकर फेंक दी। कईयों की तरह मनोहर का तबादला भी सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो रिटायर होने जा रहे बड़े साहब और ऊंची पहुंच वाले छोटे साहब के बीच बैटल बन चुके दफ्तर में न इस ओर आ पाया न उस तरफ जा पाया। और बावजूद इसके कि उसका दिल बड़े साहब को पसंद करता था, उन्हीं ने उसे बाहर कर दिया। मनोहर जी, अब बता भी दीजिए क्या हुआ था सर के केबिन में, बताइए ना। चंट सुंदरी शिल्पा की मीठी मनुहार भी जब उसने टाल दी, सहकर्मियों के उमड़ते दिलों में ठंडा अफसोस उतर गया। एक मनोरंजक किस्सा हाथ लगते लगते रह गया। उस पूरा दिन मनोहर का दिल रह रह कर बोलता रहा। 2 टुकड़ों में बटा मनोहर आमने सामने था। जब भी सर के केबिन से घंटी की आवाज आती और रामचरित काम लेकर इधर उधर दौड़ नहीं जाता, उसे लगता हो न हो वही तलब हुआ है। दिल की दीवारों के पीछे एक मनोहर कांप रहा था और दूसरा बिल्कुल ही नया मनोहर, बरगद सा विराट, दृढ़ और शांत था। गीली आंखों से कमजोर मन चुप हो गया। अब जहन में दिल के दूसरे हिस्से की आवाज बुलंद थी। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, पूरी उम्र अपना पेट भरने की फिक्र में ही बीत जाए अगर, तो जानवर इंसान में फर्क क्या। अगर तेरे बीच में पड़ जाने से सैकड़ों बच्चों को भरपेट खाना मिलता रह सकता है तो पीछे मत हट मनोहर। जीवन में और कितना अन्याय देखोगे सहोगे। राशन की दुकान से मिलता घटिया अनाज, मिलावटी तेल, टूटे नाले, उखड़ी सड़क, आवारा जानवरों और कूड़े करकट से गंधाती मेरी बस्ती, अफसरों का जरा जरा बातों पर अपमानित करता सा बर्ताव, नहीं, अब और नहीं। ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। सिटी बस से घर लौटते मनोहर ने बोझिल पलकी मूंद ली और खिड़की से सिर टिका लिया। दिन भर की तपी हवा अब ठंडा रही थी। बहती हवा के स्पर्श में हल्का सुकून था। मनोहर को याद आया आज उसने लंच नहीं किया। पेट में भूख महसूस होने लगी थी, आग जैसी भूख। सहसा उसने सोचा उन भूखे बच्चों के बारे में जिन्हें दिन भर स्कूल के मिड डे मील की प्रतीक्षा रहती है। उसके घर के पास ऐसा एक सरकारी स्कूल है और उसने देखे हैं भोजन की कतार में खड़े बच्चे, आतुरता, प्रतीक्षा और भूख में जिनका अंग अंग थिरकता सा है। जब वे खाना खाते हैं चेहरों पर परम आनंद का ऐसा भाव होता है जैसे नन्हे कृष्ण माखन खा रहे हों। परम आनंद, नन्हे कृष्ण
भर पेट खाना। घर पहुंचा तो बरामदे में बाऊजी को खाट पर सोते पाया। वे सख्त बीमार रहते हैं, रात रात भर जागते हैं और जब कभी उनकी आंख लग जाती है परिवार सुकून की सांस लेता है। मनोहर खाट के पास पाटों के फर्श पर बैठ गया। बाऊजी के सोते चेहरे पर कैसी पवित्र शांति है। कल को अगर उसने साहब से माफी नहीं मांगी और सस्पेंड हो गया तो बाऊजी शायद महीनों पलकें न झपकाएं। पहले से ही 10 कष्ट झेल रही जर्जर काया क्या पता ये सदमा सह ही न पाए। वो सिहर उठा और बाऊजी को निर्निमेश निहारने लगा। उनके चेहरे पर कैसी संपन्नता है। बाऊजी, भारी मन से वो उठाया, देहरी के भीतर पांव रखा तो माँ पर नजर पड़ी। सधे हाथों से पुराने चीतड़ों कपड़ों के तार बनाती दरी बुनती माँ को उसने गौर से देखा। माँ के चेहरे पर सृष्टि रचयिता से व्यस्तता है, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। ये सब चीजें तार तार लत्तों से बुने आसन दरिया, सीकों के बीजने, पुराने पैंटों से सृजित थैले, हाँ बिल्कुल सब चीजें इतनी खूबसूरत इसलिए बन जाती हैं क्योंकि उनकी बुनाई में एक तार माँ अपनी आत्मा से खींचकर मिलाती है। ओ, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। जब बाऊजी पोस्टमैन थे और माँ दूसरों के घरों में खाना बनाती थी और मनोहर की पढ़ाई के अलावा उसकी तीन बड़ी बहनों की शादियाँ और इस छोटे से मकान के लोन के लिए वर्षों तक अथक परिश्रम से रुपया रुपया जुटाना था, तब एक क्लांति माँ के चेहरे पर स्थायी भाव बन गई थी। याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए। दुनिया में कोई ऐसी दास्तां नहीं मिलती। ओ, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ पर जब मनोहर को क्लर्की मिल गई, सो भी सरकारी, घोर दुनियावी माँ ने जैसे बाहरी दुनिया से वैराग्य ले लिया। अब वे पूरा समय पोती पोते के साथ खेलने, बाऊजी की सेवा करने और घर को सजाने सवारने में लीन रहती हैं और साध्वी सी सुंदर दिखती हैं। अगर नौकरी जाएगी तो भी क्या माँ ऐसी ही सुंदर दिखती रहेगी। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होती है, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म उन्हें मिलते हैं लेकिन जान नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। उसके दिल में हूक उठी और सृजन के ताने बाने में उलझी माँ ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा।
अरे मनु, तू कब आ गया बेटा? मैं ऐसी मगन थी, ठहर बैठ बेटा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ बेटा, बैठ बैठ बेटा। बेटा ये ले पानी। अरे कहाँ खोया है मन्नू, और ये मुंह कैसा सूख रहा है, कैसा हो रहा है तेरा मुंह, क्या हुआ? दफ्तर में कोई बात हुई क्या? नहीं तो। सोनू मोनू पड़ोस से खेलकर लौटे और चहकते हुए उससे लिपट गए। 7 साल की सोनू और 5 साल का मोनू, उसके बचपन के दो चेहरे, जीवन के दो उद्देश्य, सासों की दो सार्थकताएं, दोनों बच्चे गोद में आ चढ़े। उनके स्पर्शों से मनोहर का दिल हिल गया। वो उठा और बस्ती में घूमने निकल आया। इस बस्ती में उसके घर जैसी कुछ एक ही पक्की छतें हैं और कुछ एक छतों के नीचे ही उस जैसी पक्की आमदनी। बाकी यहाँ के कुल बाशिंदे छोटे कारीगर, कुटीर, दुकानदार या हम्माल मेहनत कश हैं। जाहिर है लोग उसका लिहाज करते हैं, आते जाते दुआ सलाम कर लेते हैं और उसे मनोहर बाबू कहकर पुकारते हैं। उनकी एक मत राय है कि मनोहर बाबू के जीवन में कोई कष्ट नहीं है। चलते चलते बस्ती से निकलकर मुख्य सड़क के किनारे आ गया। उसका पड़ोसी हरिराम कुशवाहा यहाँ सब्जी का ठेला लगाता है और शाम के वक्त उसका 7 साल का बेटा विभोर उसकी मदद को साथ खड़ा रहता है। मनोहर पास पड़ी बेंच पर बैठ गया, कमजोर, क्लांत। नमस्ते मनोहर बाबू, क्या हाल है? हरिराम हमेशा की तरह खुश मिला। वो फुर्सत में था और ठेले पर सजी चटक हरी कत्थई पीली जामुनी सब्जियों को पानी के हल्के छींटों से चमका रहा था और नन्हा विभोर खनकती चिल्लर से खेल रहा था। और तभी एक ग्राहक आ गया। मनोहर उत्तर देने से बच गया। उसने विभोर को अपने पास बुलाया। तू हर रोज स्कूल जाता है? हाँ। तेरे स्कूल में खाना मिलता है ना? हाँ, मिलता है। और आज तो मंगलवार था ना, आज हमें खीर, हलवा और पूड़ी मिली थी। और पता है, मैं अम्मा से हर दिन पूछता हूँ, मंगलवार कब आएगा, मंगलवार कब आएगा, क्योंकि मंगलवार को हमारे स्कूल में इतना मीठा खाना मिलता है। और बाकी दिनों? बाकी दिनों में भी मैं खूब खाता हूँ, दाल भात रोटी। एक दिन तो थाली में रसगुल्ला था, इतना बड़ा रसगुल्ला। उसकी उंगलियों में काल्पनिक रसगुल्ला आ गया और चेहरे पर मिठास। अगर तुझे स्कूल में भरपेट खाना मिलना बंद हो जाए तो? दाल रोटी खाना बंद हो जाएगा क्या अंकल? उसके प्रश्न से बच्चा डर गया और दौड़कर अपने पिता से जा लिपटा। मनोहर का द्वंद जाता रहा। अगली सुबह दफ्तर जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। सीट पर बैठ भी नहीं पाया कि रामचरित ने आकर आदेश सुनाया। रब बड़ा सामना आपको तलब किया। मनोहर दो पल खड़ा रहा, जैसे अपना कतरा कतरा इकट्ठा कर रहा हो, फिर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। मनोहर बाबू कोई दिक्कत है? रामचरित ने उसका कंधा छूकर पूछा। उसे सामने पाते ही मुख्य साहब का फाइल पर चलता पेन थम गया। तकरीबन जीत चुके व्यक्ति जैसी गर्वीली प्रसन्नता में इस साहब ने पूछा, तो मनोहर क्या तय किया है आपने? कल के बर्ताव के लिए माफी मांगकर ये आदेश तैयार करवाएंगे या नहीं? सर, मेरा वही निवेदन है, डिसीजन लेने से पहले एक विजिट। ठीक है, हम विजिट पर तो चलते हैं, लेकिन सिर्फ आप और मैं चलेंगे। पर सोच लीजिएगा, अगर सरकारी आदेश में रुकावट के दोषी पाए गए तो आप पर कार्रवाई करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, याद रखिएगा। चलिए। क्या कर रहे हैं ये? और अगर मैं दोषी नहीं पाया गया तो? अरे सर, मनोहर को विजिट पर साथ क्यों ले गए? और अगर ले भी गए ना तो सिर्फ उस अकेले ही क्यों? अरे कैसा जादू है, क्या जादू की छड़ी घुमा दी पता नहीं, दूसरे ही दिन वो उनकी नाक कबाल हो गया। ये मनोहर जो है ना, बड़ा घुन्ना है। हाँ, और तुम्हें साहब का मिजाज नहीं पता, ये दूध पिला पिला कर मारते हैं। देखना, सबसे पहले पनिशमेंट भी इसी मनोहर को मिलेगा। हाँ। बहुत ओवर स्मार्ट है ना वो। सही कह रहे हो, बिल्कुल। जीप बढ़ रही थी, चमकीली काली सड़कों,
फूल पेड़ों और खूबसूरत शहरी बस्ती से आगे वे तरक्की के कच्चेपन जैसी सड़क पर आ चुके थे। किस गांव की तरफ चले मनोहर? जहां आप चाहें सर। मनोहर की आवाज में निपट सरलता थी और चेहरे पर गहरे विश्वास का भाव, जिसे महसूस थे अधिकारी साहब चिढ़ गए। ये मामूली कर्मचारी शेर के जबड़े में सिर है फिर भी। पर वे चुप रहे। मन बोझिल है, कल रात उन्हें देर से नींद आई थी। माथत के मान मर्दन, माफी और अपने बड़प्पन की कल्पनाएं करते रहे थे और अभी जो घट रहा है बिल्कुल ही बौखला देने वाली बात, नितांत अनपेक्षित। क्यों एक मामूली कर्मचारी के कहने पर मैं विजिट पर चला गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसे बर्दाश्त क्यों कर रहा हूं? क्यों, आखिर क्यों? चेहरा तो देखो, इसे मुझसे राई रत्ती भर भी डर नहीं लगता। बताऊंगा, आने दो समय। एक उच्च अधिकारी के कुल प्रशासनिक प्रभाव वैभव दंभ से देवराज का चेहरा धूप में जलती झील सा चमकने लगा। कटीले झाड़ों और नुकीले पत्थरों वाली गर्द गुबार की राह एक गांव तक जाकर जीप रुकी। शिलालेख पर अंकित था सनातनपुर। सरकारी जीप रुकती देख इधर उधर चबूतरों पर बैठे काम करते लोग उठाए और सरपंच इतनी जल्दी उपस्थित हो गया कि महानगरीय अधिकारी साहब को बहुत बहुत आश्चर्य हुआ। एक वृद्ध महिला साहब से हाथ जोड़कर बोली, साहब जब से सरकारी स्कूल ने स्कूल में खाना देना शुरू किया है, स्कूल टाइम में गांव का एक बच्चा आपको आवारा घूमता नहीं मिलेगा। जो पढ़ाई के नाम पे अपना जी दुकाते फिरते थे वे मौड़े भी स्कूल जाने लगे हैं। और तो और साहब, जिन मौड़ियों की पढ़ाई छुड़ा दी गई थी, दिन के खाने के लोभ में माँ बापों ने फिर से उनका नाम स्कूल में लिखा दिया है। पर अधिकारी का गौर इस पर नहीं वरन अपने नए अचंभे नुमा अनुभव पर था। खपरेल बकरियों और पक्के चबूतरों बरामदों के बीच पटियों की सड़क आसमान में बादल की पतली लकीर सी थी। दरख्तों की धूल, सुलगते चूल्हों का धुआं, मवेशियों की गंध और कच्चे मकानों की महक से मिली बनी ऐसी शांत खुशबू कण कण में व्याप्त थी जैसे माँ के आंचल की सुगंध। प्रभाव ऐसा था जैसे जिंदगी को यहाँ किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं रहती। साहब विद्यालय पहुँच गए। स्कूल के बाहर नीम तले एक कम उम्र संविदा शिक्षिका ने ब्लैक बोर्ड पर हिंदी का शुरुआती परिचय अभी अभी दर्ज किया था और नन्हे विद्यार्थी अपने स्लेटों पर आड़ी टेढ़ी लकीरों में वर्णमाला का सौंदर्य साधना सीख रहे थे। सिंह साहब शिक्षिका के समानांतर खड़े होकर पहली कक्षा के कोमल विद्यार्थियों का अक्षर ज्ञान परखने लगे। फटी नेकर, टूटे बटनों की शर्ट वाले एक गुलगुल श्यामल बच्चे की तोतली जुबान महर्षियों की सनातन भाषा की नवीनतम संवाहिनी थी। मनोहर कक्षा के ठीक पीछे खड़ा था और टाट पट्टी पर पंक्तिबद्ध बैठे विद्यार्थियों को निहार रहा था। उनके बस्ते सस्ते हैं, अध्ययन सामग्री मामूली है और अधिकांश यूनिफॉर्म में नहीं है। जो हैं, उनके स्कूली कपड़े घिसे, रंगहीन से और कहीं से फटे भी हैं। पर ये बच्चे, मनोहर सोच रहा है, इस गरीब देहात के ये नन्हे नागरिक इन असुविधाओं के बीच अपना भविष्य तराश रहे हैं। क्या पता इनमें से कोई विद्यार्थी कल डॉक्टर हो, इंजीनियर, वैज्ञानिक या देवराज सिंह की तरह आईएएस। पर क्या तब वो भी स्कूली बच्चों के खाने में कटौती का आदेश देगा? दिल्ली और सनातनपुर के आईएएसों की आत्माओं में कुछ तो फर्क रहेगा। काश एक आईएएस सनातनपुर का हो। तभी उसे किसी ने छुआ। पैंट का पायचा खींचता अंतिम पंक्ति का एक सूखा साखा छात्र अनसुनी सी आवाज में निवेदन कर रहा था, वाह, ये बोतल कितनी अच्छी है, ये बोतल मुझे दे दो भैया। मनोहर के हाथ में पानी भरी प्लास्टिक की पारदर्शी बोतल थी जो किसी रेल यात्रा में उसने खरीदी थी और इस्तेमाल के बाद भी उसकी सयानी पत्नी ने फेंकी नहीं थी, बल्कि मनोहर दफ्तर आते इसी तरह की बोतलों में पीने का पानी लाता रहा है। अच्छे थर्मस वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए खरीदता है। क्यों,
मेरे पास पानी की बोतल नहीं है, अम्मा शीशी में पानी देती है। अरे अच्छा बेटा, लो अपने पास रख लो इसे। अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं, अम्मा बहुत खुश होगी। एक अंधेरा लाख सितारे, एक मेरा आशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। मनोहर का मुंह पल भर को खुला रह गया, फिर वो उकड़ू बैठा। बच्चे का सिर प्यार से सहलाया, अपनी बोतल उसकी छोटी शीशी के आगे रखी और फिर सीधा खड़ा हो गया। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने काटे फूल भी उतने, दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने काटे फूल भी उतने, दामन में खुद आ जाएंगे जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना, बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना, जाने कौन कहां से राहें तेरी फिर से सवारे। एक अंधेरा लाख सितारे। पिछले दो पलों की जो घटना थी विद्यार्थियों के उस पार खड़े आला अफसर ने देखी थी, जबकि स्कूल के अधिकृत लोग अपनी समस्याएं व्यवस्थाएं निवेदन की आवाज में बता रहे थे। तभी इंटरवल की घंटी बजी। बच्चे परिंदों के चौंक कर उड़े झुंड सा हल्ला मचाने लगे। इस बीच अधिकारी साहब स्कूल के पीछे मध्याह्न भोजन पकाते स्व सहायता समूह को देख आए थे। वे तीन चार आदिवासी औरतें थीं, जिनकी सस्ती साड़ियों के किनारे तार तार थे और जिनमें से एक बता रही थी कि जब से उसे ये काम मिला है उसके परिवार में एक दिन भी फाका नहीं हुआ है। सिंह साहब को शिद्दत से याद आए अपने शब्द, स्व सहायता समूहों पर तय अपनी राय। वे खिन्न चेहरे से स्कूल के भीतर लौट आए और दिल्ली के साहब ने बुंदेलखंड में भूख का अनुशासन देखा। सारे बच्चे चुपचाप कतारबद्ध खड़े थे, उनके हाथों में खाली थालियां थीं और आंखों में काउंटर पर रखा ताजा महकता खाना, कहीं से कोई पिन ध्वनि तक नहीं। इतने सारे बच्चे बिना किसी डर डांट के कायदे से खड़े हैं। आईएएस देवराज सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत, इनके लिए ये नन्ही गवई पाठशाला
जिंदगी के नए सबक सिखाने वाला स्कूल है। पंगत शुरू हुई और यही समय था जब अधिकारी को अपनी महत्ता सिद्ध करनी थी। सिंह साहब ने अपने क्लर्क का निडर चेहरा देखा और अगले क्षण ऊंचे माथे पर गहरी शिकन थी। आदेश दिया गया इनमें से एक बच्चे को अलग बैठाकर खिलाया जाए। एक बच्चा आला अफसर की कुर्सी के एन सामने भूमि पर प्रस्तुत किया गया। वो एक 8 साला दुबला लड़का था जिसकी आंखें भीतर को धंसी थीं, सीने की हड्डियां गिनी जा सकती थीं और रंग भुरभुरा होने से ज्यादा काला दिख रहा था। उसके कपड़े मैले नहीं थे पर उन पर अलग अलग रंग के धागों से जगह जगह सीवन थी। बच्चे की बड़ी आंखें भय से और बड़ी दिख रही थीं। उसके भूखे हाथों ने भरी थाली के दोनों किनारे कस के पकड़ लिए थे। बच्चों को एक साथ खाते देखकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चा खाने लगा। अधिकारी और क्लर्क की आंखें उसकी थाली पर थीं और बच्चे को अपनी थाली छिन जाने का भय सता रहा था। ये बात साफ नजर आने लगी थी। पनीली तुअर दाल में टिक्कड़ जैसी रोटी का कौर डुबोता वो इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था कि हर वक्त उसका मुंह पूरा भरा हुआ था और निगलते हुए उसकी आंखों में बार बार पानी आ जा रहा था। अधिकारी साहब गिन रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बच्चा 7वीं रोटी खा रहा था। बस एक पल लगा निर्णय लेने में। मनोहर जी सर, बहुत अच्छा किया कि तू मुझे यहाँ लेकर आए, वरना शायद मैं नहीं समझ पाता। फाइल तो तुम्हारे ही पास है ना? जी जी, कल वो फाइल लेकर आ जाना, जल्दी आ जाना। जी धन्यवाद सर। मैं साइन कर दूंगा। धन्यवाद सर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सर। क्लर्क को वहीं खड़ा छोड़ आला साहब तेजी से उठकर चले आए, पर बाहर को आते कदम कमजोर पड़ रहे थे। मुड़कर देखे बिना रहा नहीं गया। बची हुई 1.5 रोटी बच्चा अपने स्कूली बस्ते में छुपा रहा था। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। शपथ लो काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। उसमें ही तो जिंदगी है।
अभी आप सुन रहे थे पानी पे लिखी कहानी। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी इंदिरा दांगी की लिखी कहानी द हीरो। निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती। पानी पर लिखी कहानी। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। पानी पर लिखी कहानी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। के बाहर आई